अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये है मेरा क्या ऑप्टिकल प्योरिटी और इनान्शियोमेरिक एक्सिस। समझ गया बच्चों? तो ये है क्या? तो देखो बच्चों, इनान्शियोमेरिक एक्सिस क्या है कि जब आप दो इनान्शियोमर्स को मिला दो, किसी भी क्वांटिटी में मिला दो एक ही सब्सटेंस के, तो दोनों में रेसमाइजेशन होगा। और रेसमाइजेशन के बाद अगर किसी सब्सटेंस की कुछ अमाउंट प्योर बच जाती है बिना रेसिमाइज्ड हुए, तो वही एक्चुअली क्या कहलाती है बच्चों? ऑप्टिकल प्योरिटी। समझ गए ना? तो देखो, यही डिफाइन किया मैंने कि परसेंटेज और क्वांटिटी ऑफ वन इनान्शियोमर रिमेन इन प्योर फॉर्म इन मिक्सचर ऑफ इनान्शियोमर्स और रेसिमाइजेशन, ठीक है, या आफ्टर रेसिमाइजेशन हम यहां ऐसा कह सकते हैं, और ठीक है आफ्टर रेसिमाइजेशन। समझ गए बच्चों? तो इसी को कहा जाता है, इज कॉल्ड ऑप्टिकल प्योरिटी। तो जिस सब्सटेंस की, ध्यान रखें, जिस सब्सटेंस की अमाउंट प्योर बच जाती है वही उसकी क्या होगी बच्चों? ऑप्टिकल प्योरिटी। देखो इस तरह से सोचें कि आपने 60% एक्स और 40% वाई मिला दिया, ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चों? इनान्शियोमर है, ठीक है। अब दोनों में रेसमाइजेशन हुआ, तो रेसमाइजेशन इक्वल परसेंट, ठीक है, रेसमाइज्ड होते हैं बोथ के, तो 40% इसका 40 इसका, तो 80% तो रेसमाइजेशन हो गया। तो 100 में से जब हम इस तरह से, तो जो लेफ्ट बचा, ये लेफ्ट एक्स कितना बचा, देखो 40% इसका, तो 60% हमने इसका लिया था, 40% इसमें से रेसमाइज्ड हो गया, तो कितना बचा उसका? 20%। तो यही उसकी 20% क्या होगी बच्चों? एक्स की, जिसकी आप निकाल रहे हैं, एक्स की होगी ऑप्टिकल प्योरिटी। और फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको, ऑप्टिकल प्योरिटी इनान्शियोमेरिक एक्सिस परसेंटेज ऑफ, अगर मान लो ठीक है इनान्शियोमर की निकाल रहे हैं, जिस इनान्शियोमर की निकाल रहे हैं उसी के मोल ऑफ इनान्शियोमर, जो कि मान लो आपके पास एक्स है, तो मोल्स ऑफ इनान्शियोमर एक्स के, ठीक है, माइनस मोल्स ऑफ इनान्शियोमर वाई, ठीक है, उसके ले ले, इनटू 100 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ बोथ इनान्शियोमर। मींस यहां पर हम एक्स मोल लेंगे एक्स के, उसमें से वाई माइनस कर दिया, अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू 100। तो इससे क्या निकलाएगी? इनान्शियोमेरिक एक्सिस ऑफ किसकी निकली बच्चों? ये एक्स की, जिसकी आप निकालना चाह रहे, ये मिक्सचर में एक्स की इनान्शियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल प्योरिटी। ये और भी फॉर्मूला है, ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनान्शियोमर, ठीक है, इनान्शियोमेरिक मिक्सचर इंटू 100 अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनान्शियोमर, जो कि प्योर है एक्स का, मतलब किसका? एक्स का, कि एक्स का जो भी उसका स्पेसिफिक रोटेशन एंगल है प्योर एक्स, उसका ले लें, एक तो ये है, या फिर इनान्शियोमेरिक एक्सिस मास ऑफ एक्स अपॉन माइनस मास ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 100। यह एक और बता दूं, ठीक है, इनिशियल परसेंटेज, ये एक फॉर्मूला है, यहां से मैं इसको अच्छी तरह से लिखे दे रहा हूं एक बार और, कि एक तो ये भी फॉर्मूला है इस तरह से कि आपको इनिशियल अगर परसेंटेज पता है तो उसमें से इस तरह से भी निकाल सकते हैं इनान्शियोमेरिक एक्सिस। यहां पर, यहां हम ये कहें कि ये है ऑप्टिकल, ठीक है बच्चों, प्योरिटी ऑफ एक्स, मींस ई परसेंटेज में लेना है, तो यहां हो जाएगा इनिशियल, ठीक है बच्चों, परसेंटेज परसेंटेज ऑफ एक्स इन मिक्सचर कितना है? माइनस 50, ठीक है, ऐसा कर दें और इनटू 2 कर दें, क्योंकि 50 अपॉन में इनटू 100 होता है, 2 कर दो, तो इससे ऑप्टिकल प्योरिटी आ जाएगी। समझ गए ना? अभी आपने देखा था ना कि मैंने परसेंटेज, जैसे यहां था एक्स था, मैंने कहा 60% है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होगी? ठीक है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ एक्स की कितनी होगी? तो हमने लिखा 60 माइनस 50, ठीक है, और इनटू क्या? 2, तो कितनी हो जाएगी? 20%। इसका मतलब है कि 40-40% दोनों के क्या हो गए, जो है इसका 40% और इसका 40%, वाई एक्स का 40% और वाई का 40%, दोनों आप देख रहे थे कि वो हो गए रेसमाइज्ड हो गए। तो इस तरह से क्या आ जाएगी हमारी ऑप्टिकल प्योरिटी। अगर आपको, ठीक है, ये निकालना है कि इनिशियल
अमाउंट या परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ वाई इन मिक्सचर, है ना? तो आप क्या करें, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ, या इनिशियल जो आपने निकाला है किसका, दूसरे का माइनस कर दो, कि इनिशियल परसेंटेज ऑफ एक्स इन मिक्सचर। तो इस तरह से दोनों के परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। पहले एक ऊपर वाले से निकाल लो, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ऑप्टिकल प्योरिटी अगर आपको पता है एक्स की, तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो देखो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 ग्राम, ठीक है, ऑफ प्लस 2 ब्यूटेनॉल एंड 4 ग्राम ऑफ माइनस 2 ब्यूटेनॉल वर मिक्स्ड, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ एक्स, या कहें कि मिक्सचर, ठीक है, किसकी, मिक्सचर की, मतलब उस मिक्सचर में वही बचा होगा जो एक्सिस में होगा। तो बस सीधा सा है कि इनान्सियोमेरिक एक्सिस ऑफ प्लस 2 ब्यूटेनॉल कितनी एक्सिस है, तो यही लिखेंगे ना, 6 माइनस 4 अपॉन 10 इंटू कितना कर दोगे बच्चों, 100, तो ये कितना आ गया, 20%। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कि 20% बचा हुआ है। मीन्स यहां पर हम ये कहें कि 20% ऑफ प्लस 2 ब्यूटेनॉल रिमेन्स, ठीक है, अनरेसिमाइज्ड रिमेन्स प्योर आफ्टर रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो अब आता है कि कितना कितना परसेंट रेसिमाइजेशन हो गया होगा, तो देखो इसका मतलब है कि 40% किसका, प्लस फॉर्म का, 40% किसका बच्चों, माइनस फॉर्म का, मतलब 4 ग्राम प्लस का और 4 ग्राम माइनस का क्या हो गया, ये रेसिमाइज्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 2 ग्राम जो है, 2 ग्राम अबाउट, ठीक है, तो जो ये है आपने देखा कि 2 ग्राम ऑफ प्लस 2 ब्यूटेनॉल नॉट रेसिमाइज्ड, ये हुआ ना। तो इस तरह से ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं। और देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कि स्पेसिफिक, ठीक है, रोटेशन एंगल, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन एंगल ऑफ एस टू आइडो ब्यूटेन, ठीक है, आपको दे रखा है, इज प्लस 15.90 डिग्री, ठीक है। तो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आर एंड, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आर एंड एस, ठीक है, इनान्सियोमर्स इन मिक्सचर, समझ गए बच्चों कि इस मिक्सचर में दोनों का क्या परसेंटेज है। यहां लिखा है स्पेसिफिक, ठीक है, रोटेशन एंगल ऑफ इनान्सियोमेरिक मिक्सचर इज, ये दे रखा है आपके पास क्या, माइनस, या हम ये कहें कि 3.18 प्लस में। तो ये पूछा गया है कि अब वो कह रहा है कि उसमें कितना परसेंटेज किसका है, ठीक है। अब आपको रोटेशन एंगल किसका दे रखा है, देखो आप, प्लस मतलब एस टू ब्यूटेनॉल का, और पूरे मिक्सचर का रोटेशन एंगल आपको दिया गया है। तो पहले तो हम निकालेंगे इनान्सियोमेरिक एक्सिस ऑफ एस टू आइडो ब्यूटेन, समझ गए बच्चों, जो आइडो ब्यूटेन है उसका कितना इनान्सियोमेरिक एक्सिस है। तो
तो हम यहां क्या लिखेंगे, देखो कि 3.18 अपॉन में कितना है बच्चों, 15.90 इंटू कितना कर देंगे 100, तो ये आ गया आपके पास 20%। ठीक है कि इनान्शियोमेरिक एक्सिस 20% है। तो अब हम यहां लिखेंगे कि इनान्शियोमेरिक एक्सिस ऑफ प्लस, या ये हमारे पास है कौन सा, ठीक है कि एस टू ब्यूटेनॉल, ठीक है ये तो आपको पता है, तो इक्वल टू यहां पर हम इसकी लिखेंगे इनिशियल परसेंटेज ऑफ एस टू ब्यूटेनॉल इन मिक्सचर, यही निकालना है ना हमें, मिक्सचर में दोनों का क्या परसेंटेज है, ये कर दें -50 इंटू क्या कर दोगे बच्चों 2, समझ गए ना, इससे आपको तो ये निकला है आपके पास, तो 20 इज इक्वल टू, यहां सपोज एक्स मान लो, ठीक है -50 इंटू 2, ठीक है तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू, निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 10 और प्लस क्या 50, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये परसेंटेज में निकाल लिया मैंने, ठीक है यहां मैं एक्स परसेंटेज लिख दूं तो ये हो गया 60%। तो y का क्या हो गया, मतलब x का मतलब किसका, s2 ब्यूटेनॉल, समझ गए बच्चों, तो ये कौन सा था s2 ब्यूटेनॉल, तो r2 ब्यूटेनॉल कितना होगा देखो, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60 मींस 40%। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसमें रेशमाइजेशन कितना हुआ होगा बच्चों, तो रेशमाइजेशन अगर आपसे कहा जाए तो ये हो जाएगा 40% किसका, ठीक है r का, और 40% किसका यूज होगा बच्चों एस, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 80% रेशमाइजेशन हो गया। इस तरह से बस, इस तरह से रेशमाइजेशन अगर हमें ऑप्टिकल क्या पता हो परसेंट प्योरिटी, तो हम निकाल सकते हैं कि इस मिक्सचर में कौन कितना कितना परसेंटेज है, समझ गए ना। इस तरह से आपको और भी कई क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको आप कर करके देखो इस तरह के क्वेश्चंस में। अब मैं एक सिंपल सी वो बना देता हूँ कि कितना परसेंट किसका, तो कितना ऑप्टिकल प्योरिटी होगी, जैसे यहाँ पर लिखा है डी का परसेंटेज, ठीक है बच्चों, या मैं ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ ले लें एल परसेंटेज, ठीक है यहाँ हो जाए इनान्शियोमेरिक एक्सिस और यहाँ लिखा जाए रेशमाइजेशन, ठीक है देखो कैसे, मान लो ये 100% है, समझ गए बच्चों, ये क्या है 100%, ठीक है तो ये जीरो हो, तो इनान्शियोमेरिक एक्सेस इसकी कितनी होगी 100 डी वाले की, तो रेशमाइजेशन कितना होगा जीरो। अब सोचो कि ये 80% है मिक्सचर में, तो ये कितना होगा 20%, तो ये कितना रिस, ठीक है इनान्शियोमेरिक एक्सेस कितनी होगी बच्चों, देखो अब आप कि ये 80% है और ये 20% है, तो एनान्शियोमेरिक एक्सिस क्या हो जाएगी हमारी, निकाल के देखोगे 60, ठीक है तो यहां रेशमाइजेशन कितना होगा 40%, क्योंकि 20 इसका रेशमाइज्ड होगा 20 इसका, तो बचेगा कितना 60% प्योर, ये प्योर मतलब ये प्योर कौन बचा उसकी अमाउंट की बात की जा रही है, ठीक है सपोज ये है 75%, तो ये कितना होगा बच्चों 25%, तो रेशमाइजेशन कितना होगा 50% का, मतलब एनान्शियोमेरिक 50% बचेगा, तो यहां रेशमाइजेशन कितना हो गया 50, ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 20 है तो इसका 20, दोनों मिलके 20 20, तो इसका बचेगा 50%, तो वही तो हो गया ही, इस तरह से 25% तो रेशमाइज्ड हो गया। ठीक इसी तरह से मान लो ये 50% ले लें, अब ये 50% ले लें, ठीक है तो ये 25 निकल गया था 25, ये 50 50 दोनों हैं, तो प्योरिटी तो क्या हो जाएगी जीरो, और रिस्माइजेशन कितना हो जाएगा 100%। अब सोचो ये 40 कर दें, ये 60 कर दें, तो रिस्माइजेशन में, ठीक है अब यहां पर जो है ये 20% कौन बचेगा बच्चों एल, ठीक है तो 80% रिस्माइजेशन हो जाएगा। ये मान लो 30 कर दें, ये 70 कर दें, ठीक है तो 30 और 30, तो ये कितना बचेगा 40%, और यहां कितना हो जाएगा 60%, तो ये एल के बचेंगे। तो इस तरह से आप ऑप्टिकल प्योरिटी को बता सकते हैं कितना परसेंट रेशमाइजेशन हो गया कितना परसेंट, तो सीधी सी बात है, बात समझ में आ गई होगी बच्चों
कि दो एनांसियोमर को मिला दो, दोनों के बराबर परसेंटेज न्यूट्रल हो गए, जिसका एक्सिस में परसेंटेज था उसमें से 100 में से उन दोनों के रिस्मैच्ड परसेंटेज माइनस कर दो तो ऑप्टिकल प्योरिटी आ जाती है। मतलब सिंपल सा हम ये कह रहे हैं कि ऑप्टिकल ठीक है प्योरिटी निकालनी है तो 100 माइनस यहाँ हो जाएगा परसेंटेज ठीक है, या सीधा सा यहाँ है कि परसेंटेज रिस्मैचाइजेशन, समझ गए ना। तो ये निकलाएगी हमारी ऑप्टिकल प्योरिटी कि 100 में से परसेंटेज रिस्मैचाइजेशन माइनस कर दो जो बचा वही ऑप्टिकल प्योरिटी है। हम ये कहें कि x प्लस y परसेंट मिलाने से 80% रिस्मैचाइजेशन हो रहा है ठीक है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होगी मिक्सचर की। तो ऑप्टिकल प्योरिटी तो हम लिखेंगे 100 माइनस 80 इज इक्वल टू कितनी 20%। अब आपकी एक्स और वाई की जो भी अमाउंट दी गई है उसका 20% निकाल लो, वही उसका प्योर अमाउंट बच गई होगी। तो इस तरह से ऑप्टिकल प्योरिटी निकाली जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, उनको करो आप, बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा कितना ईजी है इसको सॉल्व करना इन क्वेश्चन को। ओके, तो ये था हमारा ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में। एक दो क्वेश्चन में लिख देता हूं या आप उनमें से देख लेना ठीक है। ये है एक क्वेश्चन लास्ट दे देता हूं मैं कि प्लस मैंडेलिक एसिड ठीक है बच्चों, प्लस मैंडेलिक एसिड हैज स्पेसिफिक रोटेशन इज प्लस 158 डिग्री ठीक है, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस मैंडेलिक एसिड एसिड ठीक है इफ मिक्सचर contain 25% minus and 75% plus mandelic acid ठीक है। तो ये आपको निकालना है स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। मैं आंसर बता दे रहा हूं, आंसर आएगा 70 डिग्री। तो करके देखना हो जाएगा। तो ये था मेरा ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से ऑप्टिकल प्योरिटी निकाली जाती है बच्चों ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।